हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू रीड द फर्स्ट पोएम व्हिच हैज़ बीन गिवन इन द टेक्स्ट बुक बीहाइव ऑफ क्लास 9th। द पोएम इज द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन हैज़ बीन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। Robert Frost was a great poet of English literature. He was an American poet who was born on 26th March 1874. Frost was the only poet who had received 4 Pulitzer Prizes for poetry. Pulitzer Prizes उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने literature के field में outstanding creations किए हैं। On July 22, 1961, Frost was named as Poet Laureate of Vermont. Laureate की उपाधि उन poets, उन writers को दिया जाता है जिन्होंने literature के field में outstanding creations और intellectual achievements किए हैं। So, Frost को Poet लॉरियट ऑफ वर्मोंट की उपाधि दी गई। एंड द रोड नॉट टेकन पोएम वॉज पब्लिश्ड इन 1916। एंड बेसिकली फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन पोएट, बट इन अर्लियर डेज ही यूज टू पब्लिश हिज ऑल काइंड ऑफ क्रिएशंस इन इंग्लैंड। सो कम टू दिस पोएम द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन इज अ लिरिक पोएम। Lyrical poem are the poems which are generally used by poets to represent their feelings and emotions. Lyrical poems ऐसे poems को कहा जाता है जिसमें poets अपनी feelings, अपनी emotions को represent करते हैं। Road Not Taken poem is considered as one of the great poems ever written in the history of English literature because it has deep meaning in it. So before starting the poem, I must tell you the summary or theme of the poem in English, and later I would describe it in Hindi as well. So Road Not Taken is a poem that creates the thoughts in reader's mind to think about choices in life, whether to go with the mainstream or to go alone in life. Because life is a journey, and this poem highlights those times and turns of life when a decision has to be made by us. Here roads symbolize the journey of our life and decisions we make on that journey. The narrator chooses the path that was grassy and wanted view, which shows poet does not choose that stream which is mainstream, means the stream which is often chosen by the all people. Now I would describe it in Hindi. Road Not Taken एक ऐसा poem है जो हमें बताता है कि हमारा life एक journey है, और इस journey के उस turn को यह poem highlight करता है जब हमें किसी दो या फिर दो से ज़्यादा ऑप्शंस में से किसी एक को चूज़ करना ही पड़ता है। और यहाँ पर रोड्स जर्नी को सिंबलाइज करते हैं, और वो पाथ जिनमें से किसी एक को पोएट ने चूज़ किया है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि हमें भी किसी दो ऑप्शंस में से एक को चूज़ करना पड़ेगा और एक को छोड़ना ही पड़ेगा। दोनों ऑप्शंस में एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसे बहुत सारे लोगों ने चूज़ किया है, जो मेन स्ट्रीम है, और एक ऐसा पाथ भी हो सकता है जिसे बहुत कम लोगों ने चूज़ किया है, शायद वो रिस्की हो या फिर वो मेन स्ट्रीम से थोड़ा डिफरेंट हो, तो इस वजह से मे भी बहुत सारे लोगों ने उसे चूज़ ना किया हो और बहुत कम लोगों ने ही उसे चूज़ किया हो। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे और हमें उन दोनों में से किसी एक को ही चूज़ करना पड़ेगा, और नैरेटर उस रास्ते को चूज़ करते हैं जो कि ग्रासी एंड वांटेड वियर है, जो ज़्यादा यूज्ड नहीं है, जो काफ़ी ग्रासी है और ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया है, बहुत कम लोगों ने उसे यूज किया है, जो ये शो करता है कि पोएट उस स्ट्रीम में नहीं जाना चाहते जो मेन स्ट्रीम है, वो कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, इसी वजह से उन्होंने उस पाथ को चूज़ नहीं किया जो कि बहुत सारे लोगों ने चूज़ किया है।
और ऑब्वियसली अगर हम उनके लाइफ में देखें तो उनके रियल लाइफ में भी एज अ पोइट वो एक ऐसे स्ट्रीम को चूज़ करे हैं जो कि मेन स्ट्रीम से काफ़ी डिफरेंट है, लाइक इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, IAS, IPS एंड अदर सिविल सर्वेंट्स. उन्होंने ऐसे कुछ भी जॉब्स या फिर ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स या प्राइवेट जॉब्स या कुछ भी ऐसे टाइप के स्ट्रीम को चूज़ नहीं किया है, बल्कि एक पोइट के लाइफ को चूज़ किया है जो कि शायद इन सारे स्ट्रीम से डिफरेंट स्ट्रीम है और मेन स्ट्रीम में नहीं आते हैं. तो परहैप्स इस पोएम के थ्रू वो ये मैसेज करना चाहते हैं कि उन्होंने रियल लाइफ में भी उस वे को चूज़ नहीं किया जो कि बहुत सारे लोगों ने चूज़ किया है. एंड दिस पोएम कंसिस्ट ऑफ 4 स्टैंजास विथ 5 लाइन्स इन ईच स्टैंजा. एंड द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज़ ABAAB. और हम ये कैसे शो करेंगे कि इस पोएम की जो राइमिंग स्कीम है वो ABAAB है, बिकॉज़ अगर हम देखें तो इसमें फर्स्ट लाइन में वुड है, उसके बाद बोथ, फिर स्टूड, फिर कुड और ग्रोथ. हेयर वुड ए बोथ इज बी, सो AB स्टूड अगेन ए, कुड अगेन ए, सो ABAA एंड लास्ट ग्रोथ, सो बी. बोथ ग्रोथ सेम, बी वुड स्टूड कुड ए. सो इस तरीके से हम राइमिंग स्कीम को पहचानते हैं. सो राइमिंग स्कीम होगा ABAAB. सो नाउ कम टू द पोएम. टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. हियर पोएट एक ऐसे टाइम को प्रेजेंट कर रहे हैं जहाँ पे वे एक ऐसे टर्न पे खड़े हैं जहाँ से दो रास्ते डिवाइड हो रहे हैं एक येलो वुड में. येलो वुड एक ऐसे फॉरेस्ट के लिए यूज़ किया गया है जहाँ अभी ऑटम सीज़न है. येलो वुड ऑटम सीज़न को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि ऑटम सीज़न में सारे इन्वायरमेंट येलोइश शो होते हैं और वुड फॉरेस्ट के लिए यूज़ किया गया है. सो टू रोज डाइवर्स इन अ येलो वुड मीन्स एक ऐसे फॉरेस्ट में वे हैं जहाँ पे दो रास्ते सेपरेट हो रहे हैं और वो जो फॉरेस्ट है वहाँ अभी ऑटम सीज़न है. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और वो खुद के लिए ये सॉरी फील कर रहे हैं कि वो दोनों रास्ते पे ट्रैवल नहीं कर सकते हैं. ऑब्वियसली उन्हें किसी एक रास्ते को चूज़ करना होगा और उसी पे उन्हें चलना होगा. एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और एक ट्रैवलर होने के नाते उन्होंने काफ़ी देर तक वहाँ पे खड़े रहकर सोचा. लॉन्ग आई स्टूड मीन्स स्टैंडिंग देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. काफ़ी देर तक वो उसी टर्न पे खड़े रहे और काफ़ी देर तक और उन्होंने सोचा. हेयर लॉन्ग आई स्टूड वर्ड ये शो कर रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा थॉटफुल है, नैरेटर काफ़ी ज़्यादा थॉटफुल है क्योंकि उन्होंने जस्ट किसी टाइप के डिसीजन को नहीं लिया कि मुझे कौन सा रास्ता चूज़ करना है और जस्ट चल पड़े, ऐसा नहीं है. उन्होंने काफ़ी देर तक वहाँ पे खड़े रहकर सोचा मीन्स वो काफ़ी देर तक वहाँ पे खड़े रहे थे. एंड लुक डाउन वन एज़ फार एज़ आई कुड, और उन्हें दो रास्ते दिख रहे थे जिसमें से एक को उन्होंने काफ़ी दूरी तक देखने की कोशिश की जहाँ तक वे देख सकते थे. टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और वो वहाँ तक देख पा रहे थे क्योंकि कुछ दूर के बाद उन वो जो रास्ता था वो बेंट हो जा रहा था अंडरग्रोथ में. अंडरग्रोथ मीन्स जंगली झाड़ियाँ, तो जंगली झाड़ियों में वो रास्ता बेंट हो जा रहा था, इस वजह से उन्हें क्लियरली कुछ दूरी के बाद उन्हें दिख नहीं रहा था. इसीलिए उन्होंने एक रास्ते को उतनी दूरी तक देखने की कोशिश की जहाँ तक वे देख सकते थे. हेयर लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, ये जो लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका डीप मीनिंग बहुत है. इसका डीप मीनिंग ये शो कर रहा है कि लाइक हमें भी अगर लाइफ में ऐसे टर्न मिले जहाँ पे हमें किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना होगा तो हमें उस ऑप्शन को चूज़ करने से पहले काफ़ी टाइम तक उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हो कि उस रास्ते में हमें कैसे डिफ़िकल्टीज़ मिलेंगी, हमें कैसे अचीवमेंट्स मिलेंगे या फिर कैसे एम्स गोल्स वगैरह मिलेंगे, हमें ये सब चीज़ को सोचकर ही वो ऑप्शन को चूज़ करना चाहिए. इसीलिए नैरेटर ने भी एक थॉटफुल पर्सन होने के तरह उन्होंने भी काफ़ी देर तक वहाँ पे खड़े रहकर सोचा और उनमें से एक रास्ते को उन्होंने काफ़ी देर तक देखने की कोशिश की जहाँ तक वे देख सकते थे कि ये रास्ता कहाँ को जाता है, बट कुछ दूरी पर जाके वो रास्ता बेंट हो जा रहा था अंडरग्रोथ में. ये यहाँ पे शो कर रहा है, ये बेंट वर्ड यहाँ पे शो कर रहा है
कि हम जिस रास्ते को चूज़ करते हैं या फिर हम जिसके बारे में सोचते हैं कि उसकी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचते हैं कि उसमें कैसे डिफ़िकल्टीज़ मिलेंगे या कैसे अचीवमेंट्स मिलेंगे, तो वो रास्ता भी इतना ईजी नहीं होता और सब कुछ हमारे सोचने के मुताबिक भी नहीं होता। हो सकता है वो रास्ता डिफ़िकल्ट हो बट हमने उसे आसान समझ के चूज़ कर लिया। इस बेंट वर्ड से वो ये रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि हम जो भी पाथ को चूज़ करते हैं उसकी पॉसिबिलिटीज़ को देखते हैं बट वो हमेशा उतना आसान नहीं होता जितना आसान हम सोच लेते हैं। हो सकता है वो लाइन वो पाथ इतना भी स्ट्रेट नहीं हो। हमें जो भी पाथ हम चूज़ करते हैं हम उसे ईजी सोच कर चूज़ करते हैं बट वो इतना ईजी नहीं होता है। एंड देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, और उन्होंने क्या किया, पहले वाले को तो काफ़ी दूर तक देखने की कोशिश करी और जहाँ तक वो देख सकते थे, और उन्होंने फर्स्ट वाले को चूज़ कर लिया, मतलब दूसरे वाले को चूज़ किया। और अब उसके बारे में वे बता रहे हैं, दूसरे वाले के बारे में बता रहे हैं कि ये भी उतना ही फेयर है जितना कि पहला वाला है। मैं उन्होंने जिसे काफ़ी दूर तक देखा था और अच्छे से देखा था, तो ये वाला जो उन्होंने सेकेंड वाला चूज़ किया है वो भी उसी के इतना अच्छा है। जस्ट एज फेयर मीन्स उसी के इतना अच्छा है। एंड हैविंग परहैप्स बेटर क्लेम, और शायद अब वो कह रहे कि और शायद अब मैं ये भी क्लेम कर सकता हूँ कि वो शायद उससे बेटर हो, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। यहाँ पे इसीलिए वो बेटर क्लेम कर सकते हैं उसे, क्योंकि ये ग्रासी है और वॉन्टेड वियर है। यहाँ पे ग्रासी वर्ड यूज़ हुआ है क्योंकि हम अगर किसी रास्ते पे चलते हैं तो अगर वो रास्ता बहुत ज़्यादा यूज्ड हुआ है, स्पेशली अगर कोई फॉरेस्ट से गुजरता हुआ रास्ता हो या फिर कोई भी वेजिटेशन टाइप के रास्ते हों, तो वहाँ पे अगर हम कोई बहुत ज़्यादा उस रास्ते को यूज़ करता है तो वो रास्ते से उस पर घास उगने बंद हो जाते हैं, यानी कि उस पर ग्रास नहीं आते हैं। उसके अगल बगल में ग्रास होंगे बट मेन उस स्ट्रेट पाथ पे जहाँ पे वो लोग चलते हैं काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पे घास नहीं उग पाते। लेकिन जो पोएट ने जो रास्ते को चूज़ किया है वो काफ़ी ग्रासी है, मीन्स कि वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग नहीं चले हैं, इसी वजह से ग्रास अभी भी उस पर आ रहे हैं और इस वजह से वो ग्रासी है। एंड वॉन्टेड वियर, और वॉन्टेड वियर तो ऐसे वर्ड को शो कर रहा है कि वॉन्टेड वियर मीन्स होता है वेरी न्यू, मतलब जो ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है। तो वो बोल रहे हैं कि उन्होंने एक ऐसे रास्ते को चूज़ किया है जिसे वो बेटर, पहले वाले से बेटर क्लेम कर सकते हैं क्योंकि ये ग्रासी है और यहाँ पे वॉन्टेड वियर, क्योंकि और ये ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ पे अभी भी घास आ रहा है, मीन्स इसे ज़्यादा लोगों ने यूज़ नहीं किया है और ये वॉन्टेड वियर है, मीन्स काफ़ी न्यू है और इसे ज़्यादा लोगों ने यूज़ नहीं किया है, इसलिए वे फर्स्ट वाले से इसे ज़्यादा बेटर क्लेम कर सकते हैं। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, और अब वो जब उस पर चल पड़े तो अब वो बोलते हैं कि हालांकि यहाँ से पास होते हुए भी जो लोग जो यहाँ से पास हुए हैं, मीन्स एज फॉर दैट द पासिंग देयर मीन्स जो लोग वहाँ से पास हो चुके हैं, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, उन दोनों ने इसे एक तरीके से सेम तरीके से ही यूज किया है दोनों रास्ते को, मीन्स पहले उन्हें तो लग रहा था कि ये उससे ज़्यादा बेटर है शायद, बट अब वो कह रहे हैं जब उस पर वो चल पड़े हैं और जब उन्होंने चूज़ कर लिया है उसको, उस रास्ते को, तब वो बोल रहे हैं कि हालांकि इस रास्ते को भी लोगों ने उतना ही यूज़ किया है जितना कि उस वाले को किया था, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ रहा है इस रास्ते के बारे में भी। नाउ ही रियलाइज्ड बोथ आर इक्वल, मीन्स अब वो इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं कि दोनों लगभग इक्वल ही था। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और उस मॉर्निंग जहाँ पे जब वो ये चीज़ को डिसाइड करके चल पड़े हैं, तो अब वो बोल रहे हैं कि हाँ अब इस मॉर्निंग मुझे ये भी डिसाइड लग रहा है कि उस दोनों जो रास्ते हैं वो लगभग सेम ही है, इक्वली ले, दोनों लगभग सेम ही है। इन लिव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, क्योंकि ये ऑटम का सीज़न है तो पतझड़ है तो सारे पत्ते गिर पड़े हैं रास्तों पर, तो अब वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादा लोगों ने नहीं चला है, इस वजह से ये जो रास्ते हैं ना, ये वाला रास्ता है, यहाँ के जो लिप्स हैं वो ब्लैक नहीं हुए हैं, क्योंकि जब रास्तों पे चलते हैं लोग तो फिर वो पत्तों पे चलते हैं तो उनके चलने स्टेप्स की वजह से वो लिप्स घिस जाते हैं और ब्लैक हो जाते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक नहीं हुए हैं बिल्कुल भी। तो लिखा हुआ इन लिप्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, मीन्स स्टेप्स की वजह से कोई भी लिप्स यहाँ पर ब्लैक नहीं टर्न हुए हैं, तो इसी वजह से वो ये कह सकते हैं कि शायद उन्होंने इस रास्ते को चूज़ किया है तो यहाँ पे कम लोगों ने इस रास्ते को यूज़ किया हुआ है।
ओ आई कीप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और अब ये सोचते हैं कि अब मैंने फर्स्ट वाले को जिसे उन्होंने काफ़ी देर तक देखा था, सोचा था जिसके बारे में, अब वो ये बोल रहे हैं कि मैंने उस वाले को अनदर डे के लिए, दूसरे दिनों के लिए रखा है। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू द वे, ये जानते हुए कि वो जो ये जो रास्ता है वो कहाँ तक ले जाता है, तब भी मैं उसे अनदर डे के लिए रखा हूँ, क्योंकि उन्होंने काफ़ी देर तक वहाँ पे खड़े रह के सोचा था, उसे काफ़ी दूरी तक देखने की कोशिश करी थी जहाँ तक वे देख सकते थे, तो इसीलिए वो बोल रहे कि इसीलिए मैंने उसे दूसरे दिन के लिए रखा है। एंड येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और ये बोलते कि ये जानते हुए भी कि ये जो रास्ते हैं ये कैसे जाते हैं, किस जगह को ये लीड करते हैं, मीन्स ये मुझे कहाँ तक ले जाएगा, सो मैं ये डाउट ही कर सकता हूँ, मैं ये जानता ही हूँ कि अब मैं शायद वापस कभी आ भी पाऊँगा या नहीं, क्योंकि जब वो आगे जा रहे किसी एक पाथ को चूज़ कर लिए, वो इस चीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जब हम किसी डिसीज़न को ले लेते हैं तो शायद हम वो टाइम चला जाता है और बाद में हम लोग रिग्रेट ही कर पाते हैं, या फिर अगर कुछ अच्छा चूज़ कर लिए तो फिर उसके लिए हम खुश हो जाते हैं कि हमने अच्छा डिसीज़न लिया, बट हम लोग उस वापस जगह पे नहीं आ सकते, उस दोबारा उस लाइफ के उस फेज में नहीं आ सकते जहाँ से हम लोग ने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। तो वही वो बोल रहे हैं कि ये जानते हुए भी कि अब मैं शायद ही कभी वापस आ पाऊँ इस टर्न पे, तब भी मैंने पहले वाले रास्ते को दूसरे दिन के लिए रखा है, मतलब नेक्स्ट डे, फिर कभी के लिए किसी और दिन के लिए मैंने रखा है फर्स्ट वाले रास्ते को। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई सम वेयर एजेस एंड एजेस हिंस, वो कह रहे कि मैं ये शायद बहुत ही डीप ब्रेथ, साई मतलब होता है डीप ब्रेथ, गहरी सांस लेते हुए, तो वो ये इस चीज़ के बारे में कह रहे कि हो सकता है मैं इस चीज़ को कहूँगा बाद में कि समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, कहीं पर, मतलब अगर वो किसी रास्ते को चूज़ करे तो वो किसी कहीं और डेस्टिनी पे पहुँचेंगे, तो वो ये कह रहे कि शायद मैं कभी ये कह पाऊँगा, कह सकूँगा कहीं एजेस एंड एजेस हेंस, काफ़ी दिनों के बाद, एजेस एंड एजेस मीन्स लॉन्ग पीरियड, तो काफ़ी दिनों के बाद, हिंस बाद, तो काफ़ी दिनों के बाद कहीं पे मैं ये कह सकूँगा, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल बाय, और वो ये कह रहे हैं कि मैं ये कह सकूँगा कहीं पर काफ़ी टाइम के बाद, हो सकता है कि मैं ये कह पाऊँगा फ्यूचर में कि एक जगह था जहाँ पे दो रोड डाइवर्ज हो रहे थे, एक वुड में एक फॉरेस्ट में दो रोड्स डाइवर्ज हो रहे थे, दो रोड सेपरेट हो रहे थे, और मैंने ऐसे रोड को चूज़ किया जो कि बहुत कम लोगों ने यूज़ किया था, लेस ट्रैवल बाय मीन्स काफ़ी कम यूज़ किया गया था, कम ट्रैवल किया गया था उस पाथ से, और एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी से सारे डिफरेंस क्रिएट हुए, मीन्स आज वो भी अगर वो डिफरेंट है बाकी लोगों के स्ट्रीम से, उन्होंने डिफरेंट स्ट्रीम को चूज़ किया है, तो ये सब उसी डिसीज़न के पर रिप्रेजेंट करता है, इसी डिसीज़न पे निर्भर करता है जो उन्होंने लिया था, उस पाथ को चूज़ किया था जो कि बहुत कम लोगों ने ट्रेवल किया है, तो वो ये कह पाएंगे किसी टाइम में, कभी काफ़ी दिनों के बाद। सो हेयर उन्होंने इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया है कि हमारे प्रेजेंट के जो डिसीजंस होते हैं वो हमारे फ्यूचर को डिसाइड करते हैं, कि अच्छे डिसीज़न लोगे प्रेजेंट में तो शायद वो आपके फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा, और अगर आप प्रेजेंट में ही गलत डिसीज़न ले लोगे तो शायद आपका फ्यूचर भी इफ़ेक्ट करेगा, और फिर आप उस पे वापस शायद ही वापस आ पाए उस फेज पे जहाँ पे फिर से आपको डिसीज़न लेने का मौका मिले। इसलिए उन्होंने कहा ना कि आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, मीन्स वो इस बात के लिए बहुत ज़्यादा डाउटफुल हैं कि वो वापस कभी आ सकते हैं, और ये ट्रू है कि अगर हम किसी भी डिसीज़न को ले लेते हैं और जब हम उसके इफ़ेक्ट्स को देखते हैं तो अगर हमें रिग्रेट भी होता है फिर भी हम उस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते, और हमारे प्रेजेंट के डिसीजंस ही हमारे फ्यूचर को डिसाइड करते हैं, सो और इसी वजह से हमें काफ़ी थॉटफुल होकर चूज़ करना चाहिए कोई भी वे को, और हमें किसी और के कहने पे नहीं जाना चाहिए, हमें वो डिसाइड करना चाहिए जो हम चाहते हैं, इवन इफ़ वो मेन स्ट्रीम ना हो, वो साइड स्ट्रीम हो, क्योंकि एक पोएट भी ने, मतलब एक ये जो पोएट है वो भी, उन्होंने भी रियल लाइफ में भी उस स्ट्रीम को चूज़ नहीं किया जो कि मेन स्ट्रीम है, उन्होंने एक डिफरेंट स्ट्रीम को चूज़ किया और वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेस रहे इस चीज़ में, सो उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से इंटरप्रेट किया है
कि हमें ऐसे चीज़ को, हमें ऐसे स्ट्रीम को नहीं चूज़ करना चाहिए जो बहुत सारे लोग चूज़ कर रहे हैं। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो आप चूज़ कर सकते हैं, बट सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेन स्ट्रीम है तो हमें उसे चूज़ नहीं कर लेनी चाहिए। और हमारे प्रेजेंट के डिसीज़न ही हमारे फ्यूचर को डिसाइड करते हैं, वो उन्होंने कहा है। सो इस पोएम की काफ़ी ज़्यादा डीप मीनिंग है, जो कि मैंने काफ़ी ज़्यादा सोच कर इसे उभारने की कोशिश करी है। येट इफ़ यू वॉन्ट देन आई वुड जस्ट अपलोड समरी ऑफ इट एंड इट्स जेएस थीम एंड ऑल दिस थिंग्स इन PDF of my description box. So if you want, then please comment. If you haven't subscribed my channel yet, then do subscribe and hit the bell icon for the latest updates of the videos. Thank you for watching. Stay connected.